हे गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं नीट 2021 कट ऑफ के बारे में। बहुत सारे लोगों को इंतज़ार होगा इस वीडियो का, क्योंकि इसमें ना हम एक्चुअल एनालिसिस करेंगे कि कितनी सीट्स एक्चुअल में हैं आपको, कि वही मेन चीज़ें जिसकी वजह से आप कट ऑफ निकाल सकते हो। तो आपको पहले समझना चाहिए कि कितनी सीट्स टोटल है, उसके बाद क्या हुआ उन सीट्स के साथ, ईडब्ल्यूएस की सीट्स कितनी मिली ओपन मेरिट को या बाकी कैटेगरीज़ को। क्योंकि अगर आपको ओपन मेरिट का कट ऑफ समझ में आ गया ना, तो उसके बाद आप किसी भी कैटेगरी का कट ऑफ आराम से निकाल सकते हो। और हाँ, यहाँ पर एक चीज़ और देखने वाली, एक तो है रूल 17 किस कैटेगरी पर लगेगी और किस कैटेगरी पर नहीं लगेगा। और जो ईडब्ल्यूएस वाले बच्चे ऐसे हैं जिनका स्कोर बहुत ज़्यादा है, मतलब ओपन मेरिट से, ओपन मेरिट का जो कट ऑफ है उससे बहुत ज़्यादा है, तो उनके साथ क्या किया जाएगा, उनको ईडब्ल्यूएस की सीट कंसिडर की जाएगी कि ओपन मेरिट की, वो भी हम यहाँ पे देखेंगे। क्योंकि मैंने इसको पिछले साल अच्छे से समझा था कि क्या चीज़ है, तो मैं सारा कुछ इस वीडियो में डिस्कस करने वाला हूँ, ठीक है ना। लेकिन उससे पहले एक बात सुनो, यहाँ पर अगर किसी का स्कोर बहुत कम है इस साल और वो फिर से कोचिंग ज्वाइन करना चाहता है, तो वो यहाँ पर जा सकता है। तो चलिए, अनअकैडमी आपके लिए लेकर आया है रिपब्लिक डे स्पेशल 6 months फ्री एक्सटेंशन, एप्लीकेबल जो है ऑन 1 year एंड अबव प्लस सब्सक्रिप्शन पे, और स्टार्ट होने वाला है January 25 से 27 तक। आपको मेरा कोड यूज़ करना पड़ेगा Medico10, और आपको 10% का ऑफ मिलेगा यहाँ पे, ठीक है ना। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहाँ पे देख सकते हो। वैसे यहाँ पे प्राइस हाइक होने वाले हैं फ्रॉम 1 February से, तो ये आप यहाँ पे देख सकते हो जब प्राइस हाइक होगा तो कितना होगा। जैसे कि पहले था 28,000, तो 30,800 होने वाला है यहाँ पे। ऐसे ही 38,000 का पहले कोर्स था, वो 42,000 का होने वाला है यहाँ पे। ये प्लस सब्सक्रिप्शन के लिए है यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पे फाइनल लीव फॉर नीट 2022 स्टार्ट होने वाला है 25 January से। यहाँ पे आप देख सकते हो कौन कौन टीचर है। ऐसे ही नीट PE जीत ब्रैच यहाँ पे स्टार्ट होने वाला है 2023 के लिए। यहाँ पे आप फैकल्टी देख सकते हो, वो जो स्टार्ट होने वाला है 27 January 2022 से, ठीक है। और यहाँ पे आपको एक्साइटिंग रिवार्ड्स मिलेंगे हर एक टेस्ट में जितने भी आप दोगे। जो टेस्ट 29th को होने वाला है और 13 February को होने वाला है, वहाँ पे आपको मौका मिलेगा जीतने का 20 lakh तक का कॉलेज ग्रांट। ऐसे ही रैंक 1 वाले बच्चे को मैकबुक ईयर मिलने वाला है, रैंक 2 to 3 को आईफोन, ऐसे ही आईपैड मिलने वाला है। ये आप यहाँ पे रैंक्स देख सकते हो अच्छे से। और स्कॉलरशिप्स की बात की जाए, यहाँ पे रैंक 1 to 10 को 100% स्कॉलरशिप मिलेगी यहाँ पे। ऐसे ही रैंक 11 to 25 को 75%, 26 to 100 रैंक को 50%, ऐसे ही रैंक 101 to 200 को 25%, रैंक 201 to 500 को 15%। तो यहाँ पे शेड्यूल आपको दिया गया है टेस्ट का, कि किस क्लास का किस टाइम पे टेस्ट होने वाला और किस डेट पे टेस्ट होने वाला है। इसका स्क्रीनशॉट ले लो और आपको समझ में आ जाएगा कि आपका टेस्ट कब होने वाला है। और इसमें पार्टिसिपेट करो ताकि आपको पता चल जाए कि हम कहाँ पर अभी स्टैंड कर रहे हैं, ठीक है। 7th 8th यहाँ पर आप देख सकते हो IIT JEE नीट UG सारे बच्चों का टेस्ट यहाँ पर होने वाला है, टेस्ट 1 टेस्ट 2 टेस्ट 3 टेस्ट 4। और यहाँ पर आपको एक्साइटिंग प्राइजेस मिलेंगे बहुत ही ज़्यादा, जो कि आप समझ सकते हो कि किसी को आईपैड मुफ्त में मिलेगा, एप्पल मिलेगा किसी को एप्पल फ़ोन, तो बहुत बड़ी बात होती है। और सबसे बढ़िया बात यहाँ पे ये है, 20 lakh का कॉलेज ग्रांट आपको मिलने वाला है, और ये गारंटी होती है। देख लेना, आप कोई ना कोई जीत के आ जाएगा, ठीक है। तो चलिए अब आते हैं अपने टॉपिक पे फिर से। तो यहाँ पे हमें कट ऑफ देखना है 2021 के लिए, ठीक है ना। और इसको ध्यान से समझना, पूरा का पूरा वीडियो देखना आप भी, ताकि आपको भी समझ में आ जाए कि कैसे कट ऑफ प्रिडिक्ट करना होता है और कैसे निकालना होता है, ताकि अगर मुझसे थोड़ी सी भी 1% भी गलती हो जाए, और आप फिर खुद कल जब कैलकुलेट करोगे तो आप वो रेक्टिफाई करो और देखो एग्जैक्ट में क्या चीज़ है, ठीक है। तो इसी, लेकिन मैं वैसे भी गलती नहीं करने वाला हूँ यहाँ पर, सारा कुछ मैं ठीक ही समझाऊँगा। देखो यहाँ पर सबसे पहली बात जो है, पेन चेंज करते हैं थोड़ा, ये देखो टोटल सीट्स 1100 है, पता है आप लोगों को, डिफरेंट कॉलेजेस में हैं। तो ऐसे ही एसकॉम्स की इसमें से 100 हटा लो, क्योंकि ये प्राइवेट सीट्स हैं, ये आपको फिलहाल आप इसको साइड में रख दो, ठीक है। हम फिलहाल वो वाला कट ऑफ देखेंगे, ठीक है ना, मतलब गवर्नमेंट कॉलेज का कितना रहने वाला है। एक सेकंड, उसके बाद गवर्नमेंट कितनी रही, 1000, उसमें से ईडब्ल्यूएस का जो 100 सीट्स है वो हटा दो। उसके बाद ईडब्ल्यूएस का फंडा पहले समझो, यहाँ पे ईडब्ल्यूएस को 50 तो इनको रहने वाली है अपनी, लेकिन 58 डिस्ट्रीब्यूट करेंगे अदर कैटेगरीज में, ठीक है। तो फिलहाल इतना ही समझ लो ईडब्ल्यूएस का, यहाँ से 900 अदर कैटेगरी के लिए है, ठीक है। मतलब क्योंकि यहाँ पे 1000 थी पहले, सो आपने ईडब्ल्यूएस को दे दी, तो 900 सीट से, ठीक है ना, यहाँ पर आपको समझ में आ गया होगा। उसके बाद यहाँ पर ओपन मेरिट की बात की जाए, इनको 50% मिलेगा, ठीक है। 50% मान लो आप, 54% लग रहा था मुझे, लेकिन वहाँ पे कुछ लोग बोल रहे हैं कि STL और STK के लिए, लेकिन तब भी इनकी सीट्स में दिखाऊंगा कैसे बढ़ेगी यहाँ पे। तो ये रहा ओपन मेरिट का, अगर 50% भी मान के चलते हैं तो।
450 सीट्स इनको मिली, ठीक है। 450 में से बॉयज़ को कितनी, गर्ल्स को कितनी, वो पता है, 225 हो गए 450। उसके बाद ये 13 और 12 मैंने कहाँ से लाए, ये देखो ये क्या फंडा है यहाँ पे। देखो जो यहाँ पे 50 सीट्स अदर्स को मिली ना EWS की, इसमें से तो 25 सीट्स तो बाकी कैटेगरीज को मिलेगी, क्योंकि 50% रिजर्वेशन बाकी कैटेगरीज को और 50% ओपन मेरिट की रिजर्वेशन है, ठीक है। तो इनको 25 सीट्स मिलेगी यहाँ पे, क्योंकि ऐसे ही डिस्ट्रीब्यूट होता है जैसे मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ। इनका जो EWS का 50% है वो बाकी कैटेगरीज में चला जाता है, जैसे कि मैंने आपको पहले भी समझाया था। इसमें से मैं मान के चलता हूँ 13 सीट जो है वो मेल को मिलेगी और 12 सीट जो मिलेगी वो फीमेल्स को मिलेगी। तो वो 13 सीट्स यहाँ पे ऐड कीजिए और 12 सीट्स यहाँ पे ऐड कीजिए गर्ल्स के लिए। तो यहाँ पे जो टोटल सीट्स बन के आती है वो आती है 238 बॉयज़ के लिए बॉयज़ ओपन मेरिट, और ऐसे ही 237 गर्ल्स के लिए ओपन मेरिट, ठीक है। तो ये पहले आपको समझना चाहिए ये कि ये चीज़ क्या है यहाँ पे। और जो ये रहा रूल 17 का किस्सा, ये आपको पता ही होगा। देखो क्या होता है, ये भी पहले समझा दूँ। रूल 17 मतलब जो है EWS के बगैर हर किसी कैटेगरी पे लगता है, ठीक है ना, एक्सेप्ट EWS पे ये नहीं लगेगा। EWS का मैं दिखाऊंगा कैसे वहाँ पे आपको सीट वापस लेनी है, वो भी मैं आपको अभी दिखाऊंगा। पहले ये वाली चीज़ देखो, यहाँ पे जितनी भी कैटेगरीज है ना EWS के बगैर सब पे रूल 17 लगने वाला है। वो रूल 17 क्या बता रहा है, मान लेते हैं अगर कट ऑफ यहाँ पे 570 है, फॉर एग्जाम्पल इतना नहीं जाएगा, 570 मान लेते हैं कट ऑफ है, ठीक है, मान लेते हैं मेरी कट ऑफ नहीं है, ठीक है। तो अब कोई बंदा ऐसा है जिसके 570 है और वो RBA है, तो यहाँ पे मसला ये होगा, इस पर रूल 17 लगेगा और जो ये 570 वाली सीट है ये ओपन मेरिट में से कटेगी, क्योंकि इसको स्कोर कितना है ओपन मेरिट जितना, तो इसको ओपन मेरिट की सीट मिलेगी। अब जब जो RBA वाला बंदा था उसकी जो सीट है वहाँ पे वो वैकेंट हो गई, क्या मतलब, मतलब कि अगर अभी RBA की 30 सीट्स थी, इसका 571 है, ठीक है ना, 570 है, तो यहाँ पे 30 सीट्स ही रहेगी, क्योंकि मतलब अगर ये अपग्रेड भी करेगा ना तब भी सीट्स कितनी रहेगी 30 सीट्स ही रहेगी, और जो ये वाली ओपन मेरिट की सीट है ये कम हो जाएगी यहाँ पे रूल 17 की वजह से, और इसी की वजह से हम कट ऑफ भी इजीली फिर निकाल सकते हैं, ठीक है। तो चलिए अब देखते हैं हम कट ऑफ, पहले वो PDF मुझे निकालना पड़ेगा एक सेकंड। तो चलिए हमने निकाला एक PDF जो कि कल निकला था आपका, जो प्रोविजनल मेरिट लिस्ट है, यहाँ से अब आपको अच्छे से कट ऑफ निकल जाएगा, ठीक है ना। और यहाँ पे हम बात करेंगे जो ऑल इंडिया कोटा में पार्टिसिपेट करते हैं ना, उनका भी हम अप्रोक्सीमेशन थोड़ा सा करेंगे यहाँ पे कि कितने बच्चे बाहर जाने वाले हैं, और उतना ही होता है फिर बाद में, वो ज़्यादा इफेक्ट नहीं दिखाएगा हमें कट ऑफ पे, ठीक है ना। इसका मतलब इस वीडियो में हम एग्जैक्ट कट ऑफ जानने की कोशिश करेंगे, मतलब बराबर उतना ही होने वाला है, ठीक है। और पहले लेकिन देखो कितनी सीट्स का हमें देखना है, पहले हम ओपन मेरिट जो बॉयज़ है ना बॉयज़ का देखेंगे, ठीक है। वीडियो लंबी हो जाएगी लेकिन यहाँ से आपको सारा कुछ सीखने को मिलेगा, ठीक है ना। मैं खुद नहीं चाह रहा हूँ कि ऐसे, मैं खुद ने क्या करना चाहता हूँ पता है, मैं ऐसे खुद कैलकुलेट करता हूँ और फिर आपको दिखाता, लेकिन नहीं, मैं खुद वैसे नहीं करूँगा, मैं आपको भी दिखाऊँगा कि कैसे कैलकुलेट करना होता है एक्चुअल में, ठीक है। तो मेल्स का 238 सीट्स तक हमें कैलकुलेट करना है, और हमें यहाँ पे ध्यान रखना है जो EWS वाले बच्चे ऐसे हैं जिनका स्कोर बहुत अच्छा है, जिनको ओपन मेरिट की सीट मिलने वाली है। देखो EWS का रूल क्या है, EWS में रूल 17 नहीं है, सबसे पहले ये समझ लो। जैसे कि मान लेते हैं हम किसी का 630 है, तो उसको तो मतलब हमें पता है कि GMC श्रीनगर उसको मिलने वाला है, और वो EWS भी यूज़ कर रहा है, लेकिन अगर आप समझोगे यहाँ पे, वो EWS के बगैर भी वो GMC श्रीनगर अपने बलबूते पे ले सकता है ना, सिंपल सी बात है, तो उसको ओपन मेरिट की सीट ही दी जाएगी, वहाँ पे EWS की सीट नहीं काटी जाएगी, ठीक है ना। अब कोई ऐसा बंदा है जिसका 580 है, 580 पे GMC श्रीनगर तो नहीं मिलने वाला पता ही है, तो अगर वो GMC श्रीनगर लेगा तो वो EWS के थ्रू लेगा, तो उस टाइम पे EWS की सीट कटेगी, ठीक है, ऐसा होता है यहाँ पे। अब ऐसा ही मान लेते हैं हम किसी का 570 है, मान लेते हैं उसका जो है स्कोर स्किम्स के बराबर है, वो स्किम्स लेगा, अगर उसका स्कोर स्किम्स के जितना ओपन मेरिट वालों का कट ऑफ होगा ना स्किम्स के लिए, उतने मार्क्स उसके भी है, तो वो ओपन मेरिट में कंसिडर किया जाएगा अगर उसने EWS यूज़ किए। लेकिन अगर स्किम्स का कट ऑफ 590 है और उसका 570 और वो स्किम्स की सीट लेना चाहता है EWS वाला बंदा, तो सिंपली सीट कहाँ से कटेगी, अब समझ में आ गया होगा, सीट EWS से फिर कटेगी, ठीक है। तो ऐसी चीज़ें, कम स्कोर पे EWS की सीट कटेगी, अगर बराबर स्कोर है ओपन मेरिट जितना तो सीट EWS की नहीं कटेगी। ऐसे ही हम यहाँ पे इसमें वीडियो में भी देखेंगे कि कैसे हमें बता सकते हैं, ठीक है। तो 238 कैलकुलेट करना है, पहले यहाँ से पेन निकालना पड़ेगा हमें, कोई भी ब्यूटीफुल सा पेन निकालो जो हमें दिखे यहाँ पे, रेड ही निकालते हैं, ठीक है ना, ये दिखता है। तो 238 पे जाओ, ये रहा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
तो 22 तक हमने यहाँ पे देख लिया। देखो ये यहाँ पे सारे के सारे, अगर OSC भी है ना तो ये ओपन मेरिट में कंसिडर किया जाएगा क्योंकि इसका बहुत अच्छा स्कोर है। यहाँ पे सीट OSC की नहीं कटेगी, यहाँ पे ओपन मेरिट की कटेगी क्योंकि ये रूल 17 के अंडर आएगा, ठीक है। अगर EWS वाला बच्चा कोई आए ना, मैं दिखाऊंगा कैसे हम उसकी सीट यहाँ पे रखेंगे, ठीक है ना। और अगर स्कोर ज़्यादा हुआ तो काट देंगे ओपन मेरिट से। 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 52 आ गया यहाँ पे। पहले स्कोर देखेंगे, 617, तो अभी भी स्कोर ठीक ठाक ही है, ठीक है। तो मतलब GMC श्रीनगर जितना नहीं है अभी भी, मैं दिखाऊंगा ना मतलब क्या मसला होता है यहाँ पे। 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 5, 76, 77, 78। तो यहाँ पे देखना पड़ेगा, 78 हुआ ना यहाँ पे। तो यहाँ पे जो ये EWS वाला बंदा है ना, इसका 616 है, हम मान लेते 612 कट ऑफ हो जाएगा GMC श्रीनगर का, लगभग उतना ही होगा क्योंकि मैंने इसको चेक किया है पहले। तो ये वाली जो सीट है ना, ये इसको ओपन मेरिट की मिल जाएगी, मतलब ये हमने यहाँ से ठीक किया। लेकिन यहाँ पे जो दूसरा EWS वाला बंदा है ना, इसको सीट मिलेगी EWS की, इसको ओपन मेरिट की सीट नहीं मिलेगी। तो ये यहाँ पे आपको माइनस करना पड़ेगा, इसका मतलब यहाँ पे आपको 78 के बदले माइनस ये वाला बंदा करना पड़ेगा क्योंकि इसने सीट जो ले ली, इसने EWS की सीट ले ली, इसका मतलब ओपन मेरिट की सीट वैकेंट रह गई। तो माइनस वन करते हैं यहाँ पे, तो 77 सीट्स आ गई हमें टोटल। ऐसे कैलकुलेट करना है आपको कटअप। ऐसा ही पिछली बार भी हुआ था, जिसका स्कोर बहुत अच्छा था उसकी सीट EWS से नहीं कटी थी, जबकि जिसका स्कोर थोड़ा सा भी कम था। और अपग्रेड अपग्रेड समझ आ गया होगा आपको यहाँ पे, मैं आपको कंफ्यूज नहीं करना चाहता हूँ यहाँ पे। तो ऐसे ही इसकी जो सीट है 611 की, इसकी सीट कहाँ से कटी? EWS से, क्योंकि इसको EWS वाली सीट मिलेगी जबकि इसको ओपन मेरिट की मिलेगी क्योंकि इसका अच्छा स्कोर है। तो उसके बाद जब 77 सीट्स पे हम आ गए, तो चलिए थोड़ा ओवर चलते, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 100, 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो यहाँ पे हमें 106 दिख रहा है, लेकिन हमें पहले चेक करना पड़ेगा EWS वाला माथे कोई। देखो जितनी भी बाकी कैटेगरीज है उसके साथ तो हमें कोई पंगा है ही नहीं, उनका तो पता ही है जहाँ तक कट ऑफ निकलेगा। जहाँ तक कट ऑफ हमें नहीं मिलेगा तब तक तो वो ओपन मेरिट की सीट खाएंगे, लेकिन जब कट ऑफ हमें मिल जाएगा तो वो ओपन मेरिट की सीट नहीं खाएंगे, फिर वो अपनी सीट खाएंगे, ठीक है। ऐसे यहाँ पे कोई भी EWS नहीं दिख रहा है तो ठीक है, 106 तक हम पहुँच गए। हमें पहुँचना कहाँ है? 238, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33। तो ये रहा और एक 33, पेन थोड़ा सा मोटा करते हैं, तो हो गया 33। लेकिन यहाँ पे आपको EWS वाले दिखेंगे, ये भी 594 GMC श्रीनगर जाएगा, 591 भी GMC श्रीनगर जाएगा, और 590 भी GMC श्रीनगर जाएगा। तो ये आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, तो इसका मतलब ये तीन सीट जो है ये EWS की सीट्स खाएंगे, इनको ओपन मेरिट की सीट नहीं मिलेगी, ठीक है। तो यहाँ पे 33 जो आया, यहाँ पे 30 कर दो क्योंकि थ्री सीट्स यहाँ से EWS वाली कटेगी ना। तो यहाँ पे 130 तक हम पहुँच गए, 130। तो ऐसे ही 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 50, 51, 52, 53, 54, 55। तो हम यहाँ पे 55 तक आ गए। EWS कोई है? हाँ, एक है, दो है। तो ये जो दो बच्चे हैं ना, तो 53 यहाँ पे कर दो क्योंकि माइनस टू करना है। 153 तक हम यहाँ पे पहुँच गए। देखो अभी भी GMC श्रीनगर वाले बच्चे ही है ये, इसीलिए अगर कोई स्किम्स का बच्चा आएगा ना, देखो आपको तो पता है यार 583 तो नहीं जाने वाला स्किम्स का, इसका इससे ज़्यादा ही जाता है। तो ये वाले बच्चे भी जो क्या है, अगर स्किम्स में भी जाएंगे तो EWS की सीटें खाएंगे यहाँ पे, ठीक है। 53 यार, ये ब्रॉड कंसेप्ट है, यहाँ पे थोड़ा सा आपको दिक्कत आएगी समझने में, लेकिन ऐसा ही होने वाला है। तो हो गया 153, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79। तो यहाँ पे 79 आ गया, लेकिन EWS वाला कौन है? एक बच्चा EWS वाला है, तो 78 कर दो।
पता नहीं कुछ लोगों को कन्फ्यूजन होगा इसमें, लेकिन ऐसा ही होता है। 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 1, 2, 3, 4, 200, 4 तक हम पहुंच गए। कोई EWS वाला बच्चा तो नहीं है? नहीं है। इस साल EWS वाले कम है ऊपर ऊपर से, ठीक है ना, वरना पिछले साल ज़्यादा थे। 204 जाना कहाँ है? 238, 204, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 29, 30, 31, 31, 30, 29, पहले यहाँ तक देखेंगे। 229 में क्या कर रहा हूँ, 229 तक गया ना मैं यहाँ पे, पहले EWS का देखेंगे ना, यहाँ पे मैं भूल गया था। तो ये रहा एक बंदा EWS वाला, तो 228, यार एक सीट भी अगर गलत हो जाए ना प्रॉब्लम हो जाएगी कटा में। तो 238 हमें यहाँ, 228 हमें यहाँ पे मिल गया, 228, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38। तो ये यहाँ पे लास्ट वाला बच्चा हमें ये वाला मिल रहा है, इरफान मीर कोई, और 565 पे है ये बच्चा, ठीक है। EWS वाला एक है ना, तो ये एक हमें नीचे जाना पड़ेगा कि 566 को EWS वाली सीट मिलेगी। तो सिंपल सी बात है, यहाँ पे एक आपको और कैलकुलेट करना पड़ेगा, और यहाँ पे आपको 238 आएगा अगर मेल्स को, क्योंकि मेल्स को जनरली दी जाती है ये एक वाली सीट, ठीक है ना। अगर ये ऑड इवन होता है तो इन फीमेल्स को कहीं और से देते हैं और इनको कहीं और से, या हो सकता है इधर एक का कुछ, तो वो तो हमें उतना ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं करेगा। तो कितना कट ऑफ आ रहा है अभी यहाँ पे, पेन थोड़ा सा चेंज करते, कुछ और पकड़ते अब इसे येलो। तो ये रहा कट ऑफ, अरे दिख ही नहीं रहा। तो ये वाला बच्चा लास्ट लग रहा है कि इसको ओपन मेरिट की सीट मिलेगी, और वो कितना कट ऑफ है? 565। ये हमने पूरा एनालिसिस किया यहाँ पे, EWS की सीट्स काट दी हमने जितना भी काट सकते थे, रूल 17 अप्लाई किया, सारा कुछ अप्लाई किया, और उसके बाद हमें ये वाला कट ऑफ मिला है यहाँ पे, ठीक है ना। तो कितना कट ऑफ आया वो आपको भी पता है कि कितना आया यहाँ पे। फिर से देखेंगे 565, ये मेरा एग्जैक्ट कट ऑफ है, मैं माइनस प्लस नहीं बोलूँगा। 565 ये कट ऑफ मिला यहाँ पे। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ समझ लो आप, अब जिनका स्कोर बहुत अच्छा है ना वो देखेंगे कितने हैं, जिनको ना ऑल इंडिया काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना है, मतलब वो तो वो वाले स्टेट कोटा में तो नहीं कर सकते दूसरे स्टेट्स में, लेकिन जो ऑल इंडिया होता है जैसे कि एम्स होता है या EFMC है, कोई और जिपमर कॉलेज है, तो उनमें वो जा सकते हैं। वो वाले बच्चे यहाँ पे इस साल उतने ज़्यादा नहीं है, अगर आप यहाँ पे देख सकते हो तो। वैसे कश्मीर के तो नहीं जाते, लेकिन अगर कोई अब है जैसे मृदुल अग्रवाल मान लेते हैं गया, दिशिका अग्रवाल मान लेते हैं गई, महाजन कुछ, इजहान शबीर यहाँ का ये लगता है तो नहीं जाएगा, शादाब मीर ये तो यहाँ पे, ये आयमन खान, अनसब मुनीसा, सिद्धार्थ वर्मा, इसका स्कोर कितना है मान लेते ये भी जाएगा तो 169 पे, और ओपन मेरिट है तो मुश्किल है बाहर इसको सीट मिलनी। ऐसे ही मारिया जान, और कोई है, हर्षित गुप्ता 663, तो मान लेते हम 4-5 काट लेते हैं टोटल अगर जाएंगे, पूरा कन्फर्म नहीं है, ठीक है, क्योंकि ये बाहर के ही जाते हैं, यहाँ के आमतौर पर नहीं जाते, जो भी जम्मू कश्मीर का जो है ना वो नहीं जाता है। तो और कोई है क्या, तानिया गुप्ता कायनाती, तो यहाँ पे यही लग रहा है, तो ये मान लेते तानिया गुप्ता तो नहीं जाने वाली है मेरे हिसाब से। तो अभी बस 4 ही मुझे ऐसे दिख रहे हैं जो कि बाहर जा सकते हैं, ठीक है, या अगर कैटेगरी यूज़ करके भी जाएंगे तो चलेगा, लेकिन 4 ही जाएंगे, ठीक है, अगर जाएंगे, मतलब पूरा कन्फर्म नहीं है। जैसे पिछले साल किया था ना 10-12 लोगों ने बाहर गए थे, तो इस बार ऐसा नहीं होने वाला है, क्योंकि स्कोर उतना ज़्यादा भी नहीं है वहाँ पे, क्योंकि वहाँ पे ना कट ऑफ बहुत ज़्यादा हाई ज़्यादा है, और वैसे भी यहाँ पे कश्मीरी ज़्यादा है, जो बाहर के लोग हैं उतने ज़्यादा नहीं है ऊपर वाली रैंक में। पिछले साल ज़्यादा ऊपर वाली रैंक में वो वाले बच्चे भी थे, तो इसीलिए जो कश्मीर के वो इधर ही जाते हैं जनरली, जीएमसी श्रीनगर में या सिक्किम्स में। तो ऐसे अगर हम ये 4 भी काटेंगे ना यहाँ पे, ये वाले 4, तो क्या क्या होने वाला है, 1, 2, 3, 4, तो तब भी 564। तो 564 कब कट ऑफ जाएगा? 564 अगर ऑल इंडिया कोटा में 4 बच्चे जाएंगे, जो कि मैंने आपको ऊपर दिखाया कि कैसे मैंने ये बोला यहाँ पे कि 4 बच्चे जाएंगे,
अगर गए तो गए, लेकिन जो ये वाला कट ऑफ है ना, ये एग्जैक्ट फिलहाल वाला कट ऑफ है, ठीक है, कौन 565, ये मेल्स का कट ऑफ है। और EWS की सीट्स मैंने आपको पहले ही दी यहाँ पे, जबकि आपको थोड़ी देर बाद मिल जाती है EWS की सीट, शायद सेकंड राउंड में मिलती है कि क्या, लेकिन मैंने आपको पहले ही दी थी। लेकिन कट ऑफ इतना ही जाने वाला, जैसे कि पिछली बार मैंने कट ऑफ किया, कैलकुलेट किया था तो मुझे 563 कट ऑफ निकला था पिछले साल ना, लेकिन फिर मैंने देखा 561 पे बच्चा सिलेक्ट गया, तो ये कैसे हो सकता है कि ओपन मेरिट वाला बच्चा इस पे ज़्यादा सिलेक्ट हो गया, जबकि सीट तो कोई छोड़ेगा नहीं ना, मतलब MBBS की। तो फिर मुझे समझ आया कि EWS की सीट्स इनको मिल जाती है फिर लास्ट में, इसीलिए कट ऑफ इतना नीचे चला गया, फिर 561 तक चला गया था। तो ऐसे इस साल भी होने वाला है, तो ये कट ऑफ आपने यहाँ पे देख लिया, ठीक है, 564। अरे ये क्या हुआ इसको, 564 अगर चार बच्चे ऑल इंडिया कोटा में जाएंगे, और ऐसे ही 565 अगर कोई भी ऑल इंडिया कोटा में नहीं जाएगा, इस साल का कट ऑफ है। अब फीमेल्स का देखेंगे, लेकिन उसके लिए इतना ज़्यादा टाइम आप वेस्ट नहीं करेंगे, अब आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे कैलकुलेट करना होता है, तो अब मैं फीमेल्स का खुद कैलकुलेट करूँगा फिर आपको दिखाऊँगा यहाँ पे, ठीक है। तो ये मैंने कैलकुलेट किया यहाँ पे, 237 सीट्स मैंने गर्ल्स को दे दी EWS की कुछ, और 225 ओपन मेरिट की सीट्स गर्ल्स को। तो जो यहाँ पे लास्ट वाली जो गर्ल आ रही है, रिफत गनी आ रही है यहाँ पे, और ओपन मेरिट है, और 517 इसका स्कोर है, तो 517 यहाँ पे कट ऑफ रहने वाला है। अगर हम चार सीट्स काटेगी भी ना ऑल इंडिया कोटा की, तो तब भी यहाँ पे 517 नहीं दिखेगा आपको, ये आप देख सो 517 516। लेकिन हम यहाँ पे जो फाइनल कट ऑफ है, और वो मेल्स थे वहाँ पे जिनका हाई स्कोर था, तो इसका मतलब फीमेल्स के साथ ऑल इंडिया कोटा में ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ेगा यहाँ पे। तो सिंपल सी बात है, 517 यहाँ पे फीमेल्स का कट ऑफ होने वाला है, ठीक है, 517 स्कोर, इसका मतलब पिछले साल से काफ़ी ज़्यादा हुआ है गर्ल्स का कट ऑफ, जबकि मेल्स का जो है, मेल्स का भी थोड़ा सा ज़्यादा हुआ है, क्योंकि 561 पिछले साल हुआ था, पिछले साल तो 561 हुआ था मेल्स का, जबकि फीमेल्स का शायद 511-512 हुआ था। तो 5 मार्क जो मैंने आपको बोले थे ना पहले ही, सही में आपको बोल रहा था 4-5 मार्क ज़्यादा ही होगा, तो वो आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे तो 4 मार्क का डिफरेंस है, और जबकि यहाँ पे 5-6 मार्क का डिफरेंस है फीमेल्स में, तो फीमेल्स में थोड़ा सा ज़्यादा कट ऑफ हुआ है इस साल, 517 कट ऑफ यहाँ पे हुआ है फीमेल्स का। तो अगर अब आपको कैटेगरी का कट ऑफ कैलकुलेट करना है, तो सिंपल सी बात क्या करनी है, जैसे कि मान लेते हैं फीमेल्स का ही करना पड़ेगा, तो आपको कैटेगरीज वालों वाले बच्चों का EWS के बाहर, EWS वालों को तो पहले से ही चलना है कट ऑफ निकालते, लेकिन जो बाकी कैटेगरी जैसे कि OSC RBA कोई भी, उसको यहाँ से कैलकुलेट करना है, क्योंकि ऊपर तो रूल 17 अप्लाई हुआ, मतलब अगर ये वाली गर्ल RBA है, नहीं ये तो गर्ल नहीं, ये वाली गर्ल अगर RBA है ना, तो इसको सीट ओपन मेरिट की मिलेगी, ये RBA वाली सीट छोड़ देगी, ठीक है ना, तो वो आपको मिलेगी। और यहाँ से आप कैलकुलेट कर सकते हो अपना कट ऑफ, यहाँ से नीचे नीचे आप जाओगे तो आपको अपना कट ऑफ मिल जाएगा हर एक कैटेगरी का, ठीक है ना। लेकिन EWS का वैसा फंडा नहीं है, EWS को पहले से ही कैलकुलेट करना पड़ेगा ऊपर से ही, जो कि हायर स्कोरर है उनका तो मैंने आपको बोला उनको ओपन मेरिट की सीट मिलेगी, जबकि जो लोअर स्कोरर है उनको मिलेगी EWS की सीट, तो वहाँ से आपको कैलकुलेट करना है अच्छे से, ठीक है। तो ये यहाँ पे रहा कैलकुलेट एक कट ऑफ वाली चीज़। लेकिन अगर आपको क्या लग रहा है कि नहीं आ रहा है कट ऑफ निकाल, तो आप मुझे बोल देना, मैं उस पर भी वीडियो लाऊँगा कि बाकी जो बाकी कैटेगरीज हैं उनका भी कट ऑफ मैं आपको यहाँ पे दिखाऊंगा, ठीक है। तो इस वीडियो में बहुत मेहनत लगी, इसलिए इस वीडियो पे लाइक ज़रूरी है, लाइक करो, और जो नए बच्चे हैं वो सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए अगर कोई डाउट है यहाँ पे, या आपको लग रहा है कि मैंने थोड़ा सा गलत मत किया कहीं पे, तो आप कमेंट कर सकते हो और मैं आपको बोलूँगा कि गलत है कि सही है। और दूसरी चीज़ यहाँ पे, अब आपकी होने वाली है काउंसलिंग, जैसे कि आपको पता है NEET PG की काउंसलिंग हो गई स्टार्ट, और आपका सीट मैट्रिक्स भी आएगा यहाँ पे, तो आपकी भी काउंसलिंग का बहुत जल्दी स्टार्ट होने वाली है यहाँ पे, और उसके रिलेटेड मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसे काउंसलिंग करनी है। मेरे वीडियोस पड़े हैं यूट्यूब पे, वो आप देख सकते हो कि कैसे काउंसलिंग करनी होती है, और मैं आपको सारा कुछ बताऊंगा यहाँ, वहाँ पे आपको सारा कुछ बताया हुआ है, और यहाँ से भी मैं और बताऊंगा जब वो निकलेगा, ठीक है ना, मतलब इन शॉर्ट आपकी हेल्प करूंगा मैं बहुत ज़्यादा। तो इस वीडियो पे बने रहे, वीडियो को क्या करना है, लाइक करना है वो तो आपने किया होगा, तो बस थैंक यू।